दोस्तों, तो कैसे आप सब दोस्तों, मैं राजा बाबू आप सबका स्वागत करता हूँ स्पोर्ट्स विद राजा के फर्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, ये इनिशिएटिव बिहार से है, टीम द्वारा लिया गया है, जिसमें हम सब बिहार के प्लेयर से बात करेंगे और उनके स्टोरीज को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों तो आज इस फर्स्ट एपिसोड में जिस प्लेयर से हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल है दोस्तों। इन्होंने अपनी सफलताओं से ना ही सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। दोस्तों, इन्होंने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग में इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि ये बिहार की ऐसी पहली महिला एथलीट प्लेयर हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया 2018 में। दोस्तों तो दोस्तों आप सब समझ ही गए होंगे हम लोग किस प्लेयर की बात करने वाले। जी हाँ दोस्तों, जमुई बिहार की रहने वाले श्रेयसी सिंह जिसे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं इंडिया के सबसे अच्छे शूटर्स में से एक माने जाने वाली श्रेयसी सिंह जी से। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। बाय थैंकिंग ऑल आवर कोविड वॉरियर्स बिकॉज आई थिंक इन द टाइम इन दीस टेस्टिंग टाइम्स दे हैव वर्क्ड वेरी हार्ड एंड अगर वो लोग अपना काम छोड़ देते तो शायद हम लोग नहीं रहते। So I want to start this interview by thanking all the COVID warriors who have worked tirelessly and right from the doctors and the nurses, medical staff जितने थे से लेके कर्मचारी जो हम लोग के societies में घर में आके जो हमारा हमारे सफाई कर रहे थे घरों की उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। जी मैम बिल्कुल, हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए, उन्हीं की वजह से हम आज ये कर पा रहे हैं मैम। Thank you so much for मैम। So मैम, should we start? Yes, please. Okay, ma'am. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है मैम कि आपने अपने करियर में काउंटलेस नंबर्स ऑफ अवार्ड्स जीते हैं मैम, जिन्हें एक टाइम में नेम करना मुश्किल है मैम। मैम आपको याद है आपने पहला प्रोफेशनल मेडल कब और किस टूर्नामेंट में जीता था मैम? पहला इंटरनेशनल मेडल? जी मैम। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से याद है। इनफैक्ट 2009 में मैं जूनियर टीम में थी और हमारा एक इंटरनेशनल जूनियर कंपटीशन हुआ था जहाँ से विश्व के सारे देशों से खिलाड़ी आए थे और ये था फिनलैंड में आयोजित। और वहां पे मैंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था और पहला मेडल भी गोल्ड था। तो डेफिनेटली आई मीन आई वॉज वेरी हैप्पी। उस वक्त की खुशी तो मैं अभी बयां भी नहीं कर सकती शब्दों में, क्योंकि पहला मेडल लाने की जो एक एक जो अचीवमेंट होता है, एक सेंस ऑफ जो खुशी होती है, वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। गोल्ड मेडल भी आया था, साथ के साथ नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था, जूनियर एंड सीनियर बोथ। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि एक अच्छे स्कोर के साथ एक अच्छे इंटरनेशनल कंपटीशन में गोल्ड मेडल आया है। एंड साथ ही साथ मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है शूटिंग में, उनका नाम संग्राम भैया है और वो हरियाणा स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका भी गोल्ड मेडल आया था। तो एक तो अपने गोल्ड मेडल की खुशी थी और साथ ही साथ की जो साथ में दोस्त है उनका भी गोल्ड मेडल आया, तो आई थिंक इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट था क्योंकि दो गोल्ड मेडल लेके वापस आ रहे थे और बहुत सारे खिलाड़ियों ने सिल्वर ब्रॉन्ज इन सब मेडल्स के साथ आए थे। तो इंडिया जूनियर टीम का एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था उस कॉम्पिटिशन में। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। लेकिन तो सब लोग जो इकट्ठे जीत के वापस आए थे और मुझे आज भी याद है कि एयरपोर्ट पे लेने के लिए हमें रिसीव करने के लिए एनआरएआई से, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स और मतलब हमारे सेक्रेटरी जनरल वगैरह सब आए थे। तो एयरपोर्ट पे खूब सारा ढोल था, मिठाइयां बट रही थी, सबके फैमिली मेंबर साथ में थे, तो बहुत ही अच्छा जश्न का माहौल लग रहा था। जी मैम, और वाकई ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मैम कि पहला ही मेडल गोल्ड होना, और कहीं ना कहीं उस जीत की खुशी आपके चेहरे पर आज भी दिख रही है मैम, कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। तो मैम आज आप दुनिया के हर कोने में जाके इंडिया के लिए अपने बहुत सारे मेडल जीते हैं मैम, तो मैम शूटिंग में इतनी दिलचस्पी कैसे हुई मैम? ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था या सडन हुआ आपके साथ मैम? ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड देना पड़ेगा। मेरे जो ग्रैंडफादर थे कुमार सुरेंद्र सिंह, वो नेशनल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उनके घर जाने के बाद मेरे जो फादर थे दिग्विजय सिंह जी, वो अध्यक्षता उन्होंने ग्रहण की। तो शूटिंग से एक लगाव, एक मतलब एक ऑलरेडी एक लगाव सा था, बिकॉज हमेशा खेल के बारे में पहले से बिल्कुल एथलीट्स को भी जानते थे, पर्सनली जानते थे, बहुत सारी पार्टीज ऐसी अटेंड की थी, मीटिंग्स, कंपटीशन में आना जाना रहता था। तो आई थिंक
शूटिंग से मतलब पहले से एक जान पहचान, एक लगाव सा था, जी मैम। लेकिन मैंने शूटिंग क्यों शुरू की, जी मैम, मैं पहले टेनिस खेलती थी स्कूल में, अच्छा, और एंड आई यूज्ड टू डू कुचिपुड़ी डांसिंग। अच्छा ओके, तो जब टेंथ की, और मेरा पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं करता था, मैं अच्छा, ये नहीं कह रही कि मैं गर्व करती हूँ उस बात पे, लेकिन वाकई में जब मैं 8वीं 9वीं कक्षा में थी तो मेरा नहीं मन करता था पढ़ने का, मुझे स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि रहती थी। हाँ, उस इसी तरफ आप टेंटेड हो गए थे उस टाइम पे। एग्जैक्टली, और इसी वजह से मैं अपनी जूनियर स्कूल की भी स्पोर्ट्स कैप्टन थी और साथ ही साथ सीनियर स्कूल की भी बाद में जाके स्पोर्ट्स कैप्टन बनी। तो एनीवे, खेलकूद में मन लगता था। अब 10वीं के उस वक्त बोर्ड्स होते थे हमारे, मतलब 2007 की बात बता रही हूँ, उसका प्रेशर अल्टीमेट होता है। एग्जैक्टली, अब बोर्ड्स में तो पढ़ना ही है, अब सब बच्चों के ऊपर उतना ही प्रेशर होता है, उनके ऊपर कुछ के ऊपर और ज्यादा होता है, तो हमारे ऊपर भी थोड़ा सा था। तो हमने टेनिस छोड़ दिया और लग गए एक तरीके से पूरे जोश और जुनून के साथ कि नहीं, पढ़ के अच्छे नंबर के साथ 10वीं पास करना है। तो उस चक्कर में जब पढ़ के वो बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए तो रिजल्ट आने तक वो 2 महीने का लगभग समय था, जो समर वेकेशन में भी कंबाइन हो जाता है। तो तब बड़े इत्मीनान से एक दिन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है, जिन्होंने एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, वो हमारे फादर के बड़े करीबी मित्र थे। अच्छा। तो उनको हम इससे उनको हम मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं और उनको चिली दा बुलाते हैं, जो उनका घर का पुकारू नाम है। अच्छा, तो वो बैठे हुए थे पापा के साथ चाय पे, कुछ गपशप हो रही थी और हम आए और हमने बोला कि एक्चुअली हमको शूटिंग शुरू करना है, तो आप बताइए कैसे करना है, और हमको वही चलाना है जो चिली दा चलाते हैं, हाल ही फिलहाल वो मेडल जीत कर आए थे। तो उन्होंने बोला कि, तो पापा ने भी मेरी तरफ देखा कि अच्छा, अगर तुम्हें शुरू करना है तो दादा से बेहतर कौन है चलवाने के लिए। जी मैं। तो मैंने भी बड़ी उत्सुकता के साथ चिलीदा को देखा और उन्होंने बोला बिल्कुल, अगर तुम चलाना शुरू करना चाहती हो तो बेहद मैं ही ट्रेनिंग दूंगा। फैमिली सपोर्ट पूरी रही है आपके मैम कैरियर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली फ्रेंड्स ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट, एंड आई एम वेरी थैंकफुल, मतलब मैं भगवान का आज भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतने सपोर्टिव लोगों के साथ रखा, मेरे पूरे फैमिली में, इवन माय स्कूल फ्रॉम फ्रेंड्स, मैं हंसराज कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था मेरे एक करियर बनाने के लिए, डेफिनेटली कॉलेज में एग्जाम्स देने होते थे, अटेंडेंस का थोड़ा प्रॉब्लम होता था, तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो हमारे स्पोर्ट्स डीन और प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। सो इसीलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट आई हैड वेरी अ लॉट ऑफ पीपल सपोर्टिंग मी इन माय इनिशियल इयर्स, व्हिच हेल्प्ड मी ग्रेटली टू रीच द हाइट्स दैट आई हैव। तो मैम, आपके परिवार का वर्षों से शूटिंग से जुड़ा होना, जब आप खेलने गए, शूटिंग करना आपने स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं ये जेनेटिकली अंदर से था मैम, या आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ा जितना एक नॉर्मल प्लेयर को करना होता है? आई ओनली बिलीव इन हार्ड वर्क। जी मैम, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, कुछ टैलेंट भी होता है और तुम टैलेंटेड हो, लेकिन हमको नहीं लगता कि अगर मतलब आप टैलेंटेड हैं तो आप घर बैठे बैठे किसी भी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि टैलेंट अपनी जगह होता है, लेकिन टैलेंट के मतलब हार्डवर्क के बिना टैलेंट भी अधूरा है, खोखला रह जाता है। तो उस टैलेंट को लेकर आगे बढ़ो, है ना, आप हीरे को भी अगर जैसे निकालते हैं जब पत्थर से, तो उसके बाद उसको आपको रगड़ के पॉलिश करना पड़ता है, तब जाके वो चमकता है और असली में हीरा बनता है। तो लाइक आई सेड, आई थिंक डेफिनेटली मैं ये नहीं अपने मुंह से कह सकती कि हाँ मैं टैलेंटेड हूँ, लेकिन बहुत लोगों ने कहा है, बट आई ट्रूली बिलीव इन हार्ड वर्क, एंड वाकई में इवन टुडे आई वर्क एज हार्ड एज आई पॉसिबली कैन। तो जितनी अपनी तरफ से हो सकती वो मैं पूरा कर देती हूँ, मेडल आए ना आए ये एक दूसरी मतलब एक दूसरा सवाल है, लेकिन मैं अपने तरफ से कोशिश करती हूँ कि हर कॉम्पिटिशन में, हर ट्रेनिंग सेशन में मैं अपना 100% दूँ। मैम, तो मैम जब आप गेम खेलना स्टार्ट किए, तो मैम टेक्निकली आपके परिवार का इस गेम से पहले से जुड़ना होना कहीं ना कहीं हेल्प किया मैम, कि जैसे आपके दादाजी ने आपको ट्रेन करने स्टार्ट किया तो बेसिक्स आपके पहले अच्छे होंगे, ऐसा कुछ था मैम? बिल्कुल भी नहीं, मतलब टेक्निकली बिकॉज दोनों ग्रैंडफादर बहुत अच्छा राइफल शूटर थे और फादर भी डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि निशाना खराब था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एज एन एथलीट
शूटिंग नहीं शुरू की। जी मैम। I said that, मेरे ग्रैंडफादर और फादर बेशक अच्छे निशानेबाज थे, लेकिन एज एन एथलीट उन्होंने स्पोर्ट्स को, उन्होंने शूटिंग को नहीं देखा था। सो डेफिनेटली नो दे डिड नॉट, इन मतलब मुझे टेक्निकली हेल्प तो उनसे बिल्कुल नहीं मिली। और ऊपर से क्योंकि फादर प्रेसिडेंट थे राइफल एसोसिएशन के, उन्होंने मुझे आई थिंक वो जहाँ थोड़े बहुत हेल्प भी कर सकते थे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, उन्होंने और नहीं हेल्प की, ताकि लोगों को ये ना लगे कि वो मतलब वो मुझे कुछ एक्स्ट्रा, हाँ कि मतलब यू नो कुछ नेपोटिज्म है या फेवरेटिज्म है मेरे तरफ। तो मुझसे मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, 2007 में मेरा पहला नेशनल चैंपियनशिप था, 2007 से लेके 2011 में रांची में नेशनल गेम्स हुए थे। और जब नेशनल गेम्स हुए थे तब जाके मैंने अपने पैसे से, अपने स्पॉन्सरशिप जो मिली थी, तब जाके मैंने अपनी बंदूक खरीदी थी और तब शुरू की थी अपनी ट्रेनिंग। उससे पहले मैंने बंदूक भी उधार पे लेके चलाई थी। तो वही मैं बोल रही हूँ कि जितनी थोड़ी भी मदद मिल सकती थी वो भी मुझे नहीं मिलती थी। जी मैम बिल्कुल। और लोगों को बुरा ना लग जाए, तो आई थिंक ये बहुत ही बट अच्छी चीज है। उस वक्त थोड़ा बुरा लगता था बट अब लगता है कि सीखने को कितना कुछ मिला इन सब छोटी छोटी वाकयों से। जी मैम बिल्कुल। और आप सेल्फ मेड है और अभी आज आपको लगता होगा कि हाँ अभी ये मेरा अचीवमेंट है, मैं बता सकती हूँ ये मैंने खुद से किया है, तो अच्छा फील होता होगा। मैम मैम एक क्वेश्चन है कि जैसे इस लॉकडाउन में काफी प्लेयर्स, एक ट्रेनिंग चल रहा था, काफी प्लेयर्स कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे, काफी ने कुछ किया, जैसे काफी लोग विजेंद्र चहल एक क्रिकेटर, उन्होंने डांस सीखा और काफी ने नई हॉबी अपनी जो नहीं कर सकते थे एज ए नॉर्मल वर्ल्ड में अब करना स्टार्ट किया। तो मैम आपने कुछ नया हॉबी सीखा या कुछ स्किल डेवलप करने की कोशिश की थी लॉकडाउन में? स्किल डेवलप करने की कोशिश की, कितनी डेवलप हो पाई ये हम नहीं जानते। मैम शेयर करना चाहेंगे क्या किया आपने? हाँ डेफिनेटली, आई मीन कुकिंग का शौक मुझे, सो आई एम अ बिग फूडी, तो खाने पीने का शौक हमेशा रहा है, लेकिन कुकिंग में उतना कभी समय नहीं मिला कि कुकिंग का इतना कर पाए। बट इस लॉकडाउन में वो कुकिंग को पूरा समय दिया गया और तरह तरह के पकवान बने घर में और उसको सबने मिल बांट के खाया, तो वो बहुत ही मजा आया, वो करने में बहुत मजा आया। एक जो पॉजिटिव चीज मैं इस लॉकडाउन से मतलब मेरे लिए जो एक पॉजिटिव चीज थी वो ये थी कि मेरी सिस्टर LSE में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ती थी और वो इसी साल वापस आई। माय मदर इज अ पॉलिटिशियन, तो वो अधिकतर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिजी रहती थी। मैं अपने कॉम्पिटिशन के लिए नेशनली और इंटरनेशनली इतना ट्रैवल करती थी कि हम तीनों को घर में इकट्ठे रहने का समय नहीं मिलता था। और लेकिन इस लॉकडाउन में ये 3-4 महीने जो अपन घर में रहे, सब साथ रहे, उसमें बहुत मजा आया कि मुझे अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड करने के लिए मिल गया, जो मतलब मैं वाकई में बहुत 10 साल हो गए ऑलमोस्ट मैं, और मैं इस चीज को मिस करने लगी थी। बिकॉज घर कैसे बनता है, घर परिवार से बनता है, और अगर आप घर भी आ रहे हैं और आपका पूरा परिवार इकट्ठा नहीं हो रहा है या समय नहीं बिता पा रहा, मन लायक समय नहीं बिता पा रहा, तो वो बहुत खटकता था कभी कभी। सो दिस वन पॉजिटिव थिंग दैट आई एम टेकिंग अवे फ्रॉम द लॉकडाउन इज कि थैंकफुली फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का टाइम मिला। जहां तक रही नई नई चीजें और एक्टिविटीज करने का, डेफिनेटली यू नो फैमिली के साथ कुकिंग की, बुक्स पढ़ी, बहुत सारी पॉलिटिकल डिस्कशंस पे चर्चा हुई। अब एक खास बात और है मेरी फैमिली का, इज माय मदर इज अ राइट विंग इन हर आइडियोलॉजी, शी इज अ राइट विंग। माय सिस्टर इज बिफोर शी वेंट टू लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो JNU से पढ़ी है, तो उनका थोड़ा लेफ्ट के तरफ ज्यादा रुझान रहता है, तो मुझे बीच में इन दोनों की चर्चा सुनने में बहुत मजा आता था। तो डेफिनेटली एक वो भी बहुत ही एक्साइटिंग चीज थी मेरे लिए। पेंटिंग की हमने साथ में, एक्सरसाइज किया हमने साथ में, बिकॉज एक वर्क फ्रॉम होम, सॉरी वर्कआउट फ्रॉम होम हमने जो शुरू किया था, उसमें क्या हुआ, अब इक्विपमेंट मिलना बंद हो गया, ऑनलाइन भी नहीं, बहुत लोग डर से भी नहीं ऑर्डर कर रहे थे, बाहर कहीं अवेलेबल था नहीं, तो हमने नई नई चीजों से वर्कआउट करना शुरू किया। जैसे अगर आर्म्स के स्ट्रेंथ के लिए, तो हमने बड़ी बड़ी बकेट्स में पानी भरा और उस पानी को उठा के बाल्टी से ट्रेनिंग की। मेरा गन केस है और बंदूक का जो मतलब केस है बंदूक के साथ, वो लगभग
10.5 किलो का हो जाता है, इट्स अ बिग ब्लैक गन केस, तो उसको लेके फिर स्क्वाट मारा ताकि मसल मास नहीं गिरे, इवन दो लॉकडाउन में मतलब खा पी तो अच्छा रहे हैं लेकिन साथ के साथ कसरत भी होनी चाहिए, तो उन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा हमने इस लॉकडाउन में जी। कहीं ना कहीं एक्साइटिंग आपके लिए, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत एक्साइटिंग रहा और बहुत अच्छा रहा लॉकडाउन उतना। बहुत ही और एक्साइटिंग इसलिए भी रहा क्योंकि मामा और मानसी दोनों हमेशा समाज के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि मामा एक पॉलिटिशियन है तो, और बाकी में मतलब इसलिए नहीं बोल रही कि मतलब वो मेरी मदर है या मैं उस फैमिली से आती हूँ, बट ऑब्जेक्टिवली आपको बता रही हूँ कि मम्मा मुझे लगता है कि एक ऐसी पॉलिटिशियन है जिनका नंबर क्षेत्र के हर आदमी के पास होगा, और चाहे वो मतलब और क्षेत्र के भी हर आदमी के पास होगा जैसे बाका हमारा क्षेत्र पड़ता है और जमुई जो हमारा घर पड़ता है उन जमुई के भी सारे लोगों के पास मम्मा का नंबर होगा, नहीं तो मेरा नंबर होगा, नहीं तो लैंडलाइन का नंबर होगा। तो जब ये लॉकडाउन एकदम से बढ़ा और बहुत सारे लोग फंसे इस चीज में, तब हमने अपनी तरफ से कितने लोगों को जाके राशन पहुंचाने का काम किया, कितने एनजीओ से कांटेक्ट करके जगह जगह पे, और सिर्फ ना सिर्फ दिल्ली में लेकिन मतलब बैंगलोर में, चेन्नई में, बॉम्बे में, जहां जहां तक हम ट्रिवेंड्रम में भी आई थिंक हम जहां जहां अपनी तरफ से राशन पहुंचा पाए हमने ये भी काम किया। तो काफी दिन हम इसमें बिजी थे, वो आज भी अभी लिस्ट मतलब बनती रही और ये एक दो महीने निरंतर ये एक सामाजिक रूप पे ये काम चलता रहा। और सो मेनी टाइम्स जब लोग घर से निकलने से डरते थे तो मेरी सिस्टर मानसी उन्होंने मतलब जो पैकेट्स बनाकर, राशन के पैकेट्स बनाकर, और उसमें यू नो अपने मन से कि हम लोग जैसे घर में कभी मन करता है मैगी खाने का तो उसमें मैगी पैकेट्स, ये नहीं कि सिर्फ दाल चावल बट चाय की पत्ती, नमक, ब्रेड, अंडे, तो सो दैट पीपल कैन यू नो सो दैट बिकॉज इट वाज अ हैप्पी थिंग फॉर हर, शी वांटेड टू डू दिस आउट ऑफ लव एंड नॉट कि मतलब कहीं सोशल मीडिया पे डालें या किसी को कुछ दिखाना है, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। और बाकी में उन्होंने खुद गाड़ी चला के ये राशन के पैकेट्स बांटने का काम किया है। सो आई फील वेरी प्राउड दैट आई वॉज हियर विद माई फैमिली एंड आई गॉट टू सी ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा था और सिर्फ हम अपने में ही मतलब यू नो अपने एक्टिविटीज और अपने आराम का देख के सोच के चल रहे थे। हमारे सारे स्टाफ को, जिन स्टाफ को हम सुरक्षित घर पहुंचवा सकते थे उनको वहां घर पहुंचाने का काम किया। बाका जम्मू के कितने लोग यहाँ फंसे हुए थे जब ट्रेन शुरू हुई तो उनके लिए सबका बुकिंग करवा के उनको घर पहुंचवाने का काम किया। साथ ही साथ हमारे किसी भी स्टाफ का कोई भी, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने लोगों से काम मतलब काम से निकाल दिया, सैलरी कम कर दी, उन्हें ऐसी तरह तरह की बातें सुनने में आ रही थी बट हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। सो आई एम अगेन आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई वाज विद माय फैमिली एंड आई गॉट टू सी ऑल दिस बिकॉज दीज थिंग्स टीच यू अ लॉट इन लाइफ। और मुझे पता है कि ये सारी मेरे लिए लर्निंग है और मुझे आगे जाके भी ये काम आएगा। मैम और जो आप लोगों ने किया है इनक्रेडिबल है मैम, और एक थैंकलेस जॉब है ये क्योंकि बिल्कुल हमें फिर वाकई में आपको दोबारा बोल रही हूँ बिल्कुल इनक्रेडिबल है। मुझे लगता है कि हर आदमी को अपने जगह से समाज के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, बेशक आप दिखा दीजिए सोशल मीडिया में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन काम कर दीजिए जो आपका, आप आज किसी को भी हेल्प करेंगे वो अगले 10 साल तक, इतने कठिन समय में वो अगले 10 साल तक मतलब आपको थैंक यू बोलता रहेगा। एंड वो एक जो मतलब एक जो आशीर्वाद मिलता, मैं अधिकतर लोगों से छोटी थी और मानसी भी उन सबसे छोटी, तो वो एक वो जो आशीर्वाद दिल से निकला हुआ था, आई थिंक सिर्फ उसके लिए और भी उस आशीर्वाद के लिए और भी काम करने का मन कर रहा है। इम्पोर्टेंट एंड रोड साइड लिट्टी चोखा खाना जो मैं बहुत टाइम गाड़ी में छुप के बैठ के खाती हूँ। एंड पटना में एक जगह है वहाँ बहुत बेहतरीन मिलता है, मौर्य लोक। मौर्य लोक में एक थोड़ा सा गली के अंदर जाके एक उनका छोटा सा मतलब वो शॉप है वहाँ पे। जी मैम वहाँ के सबको बहुत फेमस है मैम, सब लोग खाते हैं वहाँ जाकर मैम। अच्छा लगा कि आप भी वहाँ जाती है मैम।